हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ आईएएस। दोस्तों ईएनए दैट इज एग्जाम न्यूज एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2022 और अभी तक की सारी खबरों को लेकर मैं आपके सामने प्रसन्ना वर्मा सब प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। यानी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी या किसी और एग्जाम के लिए। बहुत सारी खबरें हैं आज हमारे पास खबरों के पिटारों में से। शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का डेमोक्रेसी, ये इंडिया का जो डेमोग्राफी है एट क्रॉस रोड्स एडर्ली, ये हो सकता है कि ये आउट नंबर कर दे यूथ को। अब आप कहेंगे मैम क्या बोल रही हैं, पूरी खबर बहुत विस्तार से बताऊंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। पॉपुलेशन आजकल बड़ी ज़्यादा चर्चे में है, बट उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि कल तक सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई 2022 तक कॉम्बो फेस्टिवल पे आपको मिलता है सिर्फ आईएएस कोर्स से 15% तक का ऑफ अन अकेडमी पे। दोस्तों 12 महीने के कोर्स पे आप बचा सकते हो 10,000 रुपये और 36 महीनों का कोर्स अगर आप लेते हो तो आपकी टोटल सेविंग्स लगभग 19,000 रुपये तक हो सकती है। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, आपको जीएससी साठ वगैरह किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब आपको अनअकैडमी से हेल्प मिल जाएगी। साथ में आपको मिलता है सीएससी अश्योर, मतलब आप 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और पाइए सीएससी अश्योर। सीधी बात, मतलब आपको रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है आप यूपीएससी के, कोई बात नहीं, आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देती है अनअकैडमी। इसके अलावा आज से एक नया बैच स्टार्ट हो गया यूपीएससी का और अब आपको 20 बुक्स नई दी जाती हैं जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसके साथ में। और यहाँ पे आप ईएमआई पे स्टार्ट कर सकते हैं, 0% ईएमआई है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी क्लास यहाँ पे होगी 5 बजे से 6 बजे तक अभी और एक रात में 10 से 11 बजे तक, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आइए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, जैसे मैंने बताया इंडियाज डेमोग्राफी एट क्रॉस रोड्स, एडर्ली में आउट नंबर द यूथ इन इंडिया 2022, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। क्या है इस रिपोर्ट ने क्या पता लगाया, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात कि यूथ जिनकी एज ग्रुप 15 साल से 29 साल के बीच में है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपका 27.2% ऑफ द पॉपुलेशन आता है फॉर 2021, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि ये जो परसेंटेज है ना, ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 22.7 हो जाएगा बाय 2036। देखिए मसला क्या है कि किसी भी देश के अंदर उसके जो पॉपुलेशन के अंदर जवान नौजवान लोगों की संख्या होती है वो उस देश को बहुत डेवलपमेंट में और चीज़ों में बहुत सहायक होती है। जैसे कि देखिए बहुत सारे दुनिया के देश हैं, जैसे अभी आप हाल फिलहाल में आप चाइना की बात कर लीजिए, जैसे जापान में तो लोग भाई एडर्ली बहुत ज़्यादा हैं, चाइना की अगर आप बात कर लीजिए तो चाइना बड़ा परेशान हो रहा है, कह रहा है कि भाई बच्चे पैदा करो हम इंसेंटिव देंगे। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ अब यूथ की पॉपुलेशन कम हो रही है और हमारे यहाँ यंग लोग जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में है। जैसे कि 15 साल से 29 साल की उम्र के लोग हमारे यहाँ जो कंप्राइज करते हैं आज के टाइम पे 27.2% लोग हैं। वही जगह 2036 तक हमको ये 22.7 मतलब 22.7% हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो पॉपुलस स्टेट हैं आज के टाइम पे, जैसे हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पे पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन की बढ़ती दिखती है टोटल पॉपुलेशन में 2021 तक, यही स्टेट्स में देखा जाएगा कि यहाँ पे डिक्लाइन होगा, कमी देखने को मिलेगी। और कुछ स्टेट जैसे कि अपनी केरला हो गई, तमिलनाडु हो गए, हिमाचल प्रदेश है, ये माना जा रहा है कि इनमें हायर एडर्ली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी यूथ के कंपैरिजन में बाय 2036। मैडम समझ गए, आर्टिकल दिखा दिया, रीजन बता दिया, कॉजेस क्या हैं ये बताइए, व्हाट आर द कॉजेस, वजह क्या है ऐसा होने की। देखिए पहली चीज तो हायर एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड सस्टेन ड्रॉप इन फर्टिलिटी। अभी मान रहे हैं कि देखो सीधी सीधी बात है कि दो तरह की चीजें हैं, पहला तो हम क्या होता क्या है ना कि जल्दी लोग अगर तो नहीं मर रहे,
आपकी लाइफ अच्छी है। और दूसरी बात कि जो बच्चे पैदा होंगे वो अब कम मात्रा में होने लगेंगे, जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था, है ना, कि भाई पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ेगी, चाइना से क्रॉस कर देगी, लेकिन जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो अब थोड़ा धीमे धीमे ही हो रहा है, बढ़ धीमे धीमे ही रही है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो है ये एक वजह है जिससे क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है ना वो वर्किंग एजेस की ड्रॉप होने लगी, मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन लीड्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट वर्किंग एजेस, ठीक। और लार्ज इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है, जैसे कि इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ से लोग इधर जाते हैं, वहाँ से लोग इधर आते हैं, तो इससे क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस और ज़्यादा कम हो जाता है, एटलीस्ट टेम्परेरी। तो सिंस माइग्रेंट्स टेंड टू बी इन द यूथ वर्किंग एजेस, ठीक है, तो अभी काम कर ही रहे हैं वो लोग इधर से उधर उधर से उधर। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, ये चीज़ यहाँ पे समझने को मिलती है ना। ओके, तो इतना आप ये चीज़ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो इससे धीमे हो जाती है, स्लो हो जाती है, सपोर्ट करता है कॉस्ट राइज को, है ना, ये कॉस्ट बढ़ती है भाई, बूढ़े लोगों को सरकार जो है वो सरकार का बजट जो है वो और प्रेशराइज होता है, क्योंकि बूढ़े लोगों को पालने के लिए और स्कीमें लगा लानी पड़ती है जो है आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये वो, ठीक है। और जो है लोग जो होते हैं टिपिकली एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, आपको पता है इनका तो ऐसा नहीं है कि कुछ भाई सरकारी नौकरियां कर रहे हो या कोई फॉर्मल जगहों पर हो, कोई लेबर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो भाई बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल तरीकों से काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। तो डिमांड जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी की, डेवलपमेंट की, वेलफेयर स्कीम की, प्रोग्राम की बूढ़े लोगों के लिए, ये भी बढ़े, क्योंकि सारा प्रेशर आ जाएगा सरकार के ऊपर, ठीक है। तो वे अहेड में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करा जाए वे अहेड में, तो बात ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग द कमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है, आप ध्यान रखिए, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो सके और सेविंग्स और ग्रोथ जो है वो बढ़ सके, ये एक चीज हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यहाँ देख सकते हैं आप सिर्फ आईएएस कोड जरूर यूज करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीडिएशन बिल का। क्या है मीडिएशन बिल? देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड करा अगेंस्ट कंपलसरी मीडिएशन और रोल ऑफ जुडिशरी। हम पूरा समझाएंगे, देखिए क्या है क्या नहीं, आप देख सकते हो द हिंदू का एक आर्टिकल आपके सामने है यहाँ पे। देखिए इश्यूज इस कमेटी ने क्या हाईलाइट करे आपको बताती हूँ। पहला कि जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है उसे मैंडेटरी बनाना जो है, इसकी वजह से ये हो सकता है कि केसेस देर में डिस्पोज हो, डिलेइंग द डिस्पोजल ऑफ केसेस। दूसरी बात, प्रोविजन जो क्लॉज नंबर 26 की है ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के, और बिल ये प्रपोज करता है, जो बिल प्रपोज करता है ना एक क्लॉज को, जिसकी वजह से कोर्ट को पावर मिलती है कि कोर्ट रूल बना सकता है फॉर कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन है मीडिएशन की, इसे भी रिफ्रेम करने की ज़रूरत है, सिंस जो अभी की डेफिनेशन है इसमें क्लॉज 3 दिया है जो बिल का, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की मीडिएशन को सेपरेटली क्लॉज 4 के अंदर, ठीक। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस के बिल की, है ना, डिस्प्यूट्स मैटर्स वगैरह को लेके, नॉन कमर्शियल नेचर की, जिसमें आपका गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज वगैरह जो है उस पर सवाल किए जाते हैं। तो अभी आप कहेंगे मैम सारी बातें जो बीटिंग अराउंड द बुश ना करिए, हमें रिकमेंडेशन बताइए क्या दी गई हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्री लिटिगेशन को ऑप्शनल बना देना चाहिए और इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए इन अ फ्रेज्ड मैनर, इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट विद अ इमीजिएट इफेक्ट फॉर ऑल सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। दूसरी बात कि जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन का और मेंबर्स का मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ये यहाँ पे किया जाना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तीसरी बात कि स्टेट मीडिएशन काउंसिल यहाँ काम करे अंडर ओवरऑल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल में मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। और चौथी बात कि इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बॉडीज, अलग अलग बॉडीज के अलावा जो कि रजिस्टर हैं एज अ मीडिएटर्स, ठीक है, आप प्रपोज्ड एमसीआई जो है वो बनाए एक नोडल अथॉरिटी को फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए और एक रेडिटेशन के लिए मीडिएटर्स के। अब आप कहेंगे मैम हम लोगों में से मीडिएशन का मतलब भी कई लोगों को नहीं पता,
देखिए मीडिएशन क्या होता है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल करें विद इन द असिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन, मतलब एक जो बिचौलिया हो गया, एक तरह से मीडिएटर हो गया उसके अंदर। एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, क्योंकि भाई कोर्ट वगैरह में बहुत समय लग जाता है चीज़ों में, तो इसमें जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड्स नीड न्यू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन। भाई ये क्या बात है, आप देख सकते हैं कि WHO अर्जेंट कॉल कि दुनिया को ज़रूरत है एक नई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन की। देखिए हुआ क्या है कि WHO ने रिलीज़ करी एक फर्स्ट एवर रिपोर्ट, किस पे, ऑन द पाइपलाइन ऑफ वैक्सीन्स जो करेंटली डेवलपिंग है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरियल पैथोजेंस के द्वारा के लिए। टाइटल क्या है, टाइटल है एन एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन इन प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट 2021। टाइटल तो मैंने बता दिया। देखिए जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये होता तब है जब बैक्टीरिया या आप कह लो कि भाई वायरस, फंगी या पैरासाइट्स, ये वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं और कोई नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड, मतलब अब होता क्या, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर कोई इंसान एक ही दवाई को खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है, तो एक वक्त आने के बाद दवाइयाँ उसको असर करना बंद करने लग जाती हैं, देखा होगा आपने। तो होता क्या है कि यही चीज़ें आपको प्रकृति में मिलेंगी कि चाहे जैसे आप हैं, अब आप शुरुआत में आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, आप गए आपने सेल्स की जॉब करी और पहली बार आपको किसी बॉस ने उल्टा सीधा सुना दिया, तो आपका बड़ा मुंह बना रहेगा, आप बड़े उदास रहेंगे, अरे यार बताओ ज़रा हमको ऐसे बोल दिया हमको वैसे बोल दिया। लेकिन अगर रोज़ ही आप ऐसी तरह से गरियाए जाएंगे हैं तो आप एक टाइम पे आएगा अरे ठीक है वहाँ तो चलता रहता कोई बात नहीं, झाड़ के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ये सब शुरुआती तौर पे तो अगर आप इनको कोई दवाई खिलाओगे तो पटापट मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। यूके के लोग देखिए कहते हैं दवाई ज़्यादा मत खाओ ताकि बॉडी खुद से ही अपने आप जो है वो सब कुछ रेजिस्टेंस पैदा करे। तो ये सब, लेकिन अब वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि इनकी इनके अंदर भी रेजिस्टेंस आ जाती है कि अब मेडिसिन के लिए अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करते, और इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि डिजीज़ और फैलने का रिस्क होता है, बहुत सीवियर इलनेस हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। तो ये एनालिसिस हुई है, उसने ये आइडेंटिफाई करा है कि 61 वैक्सीन कैंडिडेट अलग अलग स्टेजेस में क्लिनिकल डेवलपमेंट के, और हाइलाइट्स में बात करूं तो वैक्सीन जो अवेलेबल है 4 प्रायोरिटी बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट, उसमें आता है न्यूमोकोकल डिजीज दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके बाद HIB दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, फिर ट्यूबरक्लोसिस दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया हो गया इसका, और टाइफाइड फीवर जो कि होता है सैल्मोनेला टाइफी से। अभी जो करंट बैसिलस कैलमिटी ग्यूरन वैक्सीन्स हैं अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं TB के अगेंस्ट, और बाकी जो 3 वैक्सीन्स हैं वो इफेक्टिव हैं जैसे मैंने ऊपर बताया। तो कहते हैं कि एक इक्विटेबल एक ग्लोबल एक्सेस मिले एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स को, जिससे ट्रायल्स और बढ़े फॉर AMR रिलेटेड वैक्सीन्स, खासकर अमंग द पॉपुलेशन जिनको उनको ज़रूरत है इन अ लिमिटेड रिसोर्स सेटिंग। हालांकि देखिए जो AMR है ये इज अबाउट मोर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, ऐसा नहीं है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट ये काफ़ी क्रिटिकल है AMR के कंट्रोल को लेकर। सरकार ने क्या करा है, इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है कंट्रोल करने के लिए इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। देखिए चेन्नई डिक्लेरेशन 2012 का था, इससे एंटी बायोटिक स्टेवर्डशिप को प्रमोट करने के लिए। दूसरा इंडियाज रेड लाइन कैंपेन, ये कहता है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स जो है की जाए विद अ रेड लाइन, ताकि जो ये जो ताकि डिस्करेज कर सके ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स को। तीसरा नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR दैट इज NAPAMR 2017 से 21 तक का। तो ये सब कुछ सरकार ने यहाँ पे जो है चीज़ें करी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरी न्यूज़ के बारे में। कुछ दूसरी न्यूज़ में एजोर्स हाई
ये बड़ा चर्चा में रहा, क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक्सट्रीमली लार्ज एजोर्स हाई की वजह से क्या हुआ है कि एबनॉर्मली ड्राई कंडीशंस वेस्टर्न मेडिटेरियन में देखने को मिली हैं, जिसमें लिबेरियन पेनिनसुला आता है, प्राइमरी ऑक्यूपाइड बाय जो स्पेन है एंड पोर्तुगल भी है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी। तो दोस्तों, क्या है अजोर्स हाई? देखिए, ये एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है जो एक्सटेंड करता है ओवर द ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक और वेस्टर्न यूरोप में ड्यूरिंग विंटर। ये फॉर्म होता है बाय द ड्राई एयर अलॉफ्ट डिसेंडिंग द सब ट्रॉपिक्स एंड कोइंसाइड विद द डाउनवर्ड ब्रांच ऑफ हार्डले सर्कुलेशन। ये एसोसिएटेड है एंटी साइक्लोनिक विंड से इन द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक। नेक्स्ट बात आती है, इलीगल फोन टैपिंग केस एक हुआ है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपना जो CBI है, इसने एग्जाम्पल करा है, मतलब इसे एग्जामिन किया है कि वेदर ये जो इलीगल फोन टैप होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉयज जो इन्वॉल्व थे, ये आपका मैं आपको फिर से बताती हूँ सही से। इधर द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन वेदर इलीगल फोन टैप्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एम्प्लॉयज इन्वॉल्व एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय SEBI ऑडिट फर्म बाय EY इंडिया। अभी देखिए, समझिए फोन टैपिंग का पहले सीन समझिए क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मॉनिटर करना इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को और फोन्स को कोई थर्ड पार्टी कर रही हो चुपके से। मान लीजिए कि किसी एक इंसान है, सपोज करिए, और कोई तीसरा इंसान इसके फोन पे, इसके इंटरनेट पे, इसके कॉल्स पे ध्यान रखे हुए है सीक्रेटली। इसे रेगुलेट करा जाता है इंडियन टेलीफोनिक एक्ट 1885 के द्वारा, और दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है टैप करने का फोन को अंडर सेक्शन नंबर 5 पार्ट 2 के अंदर इंडियन टेलीफोनिक एक्ट 1885 के। फोन टैपिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी इशू कर सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के या उसके स्टेट काउंटर पार्ट जो भी हो गए, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लिए, सोविनिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, स्टेट की। ठीक है, ये बात है। बाकी एक वायरस है, पेपिलोमा वायरस, ये काफी चर्चा में रहा। तो आपका जो है सर्वावैक, ये कंट्री का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। मैन्युफैक्चर करी गई है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अप्रूव करी गई है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन। दूसरा एक जो है अपने पास एप्स्टीन बार वायरस आ जाता है। तो साइंटिस्ट ने एक नया कैंसर कॉसिंग EBV यहाँ पे पता लगाया है, जिसकी वजह से न्यूरोनल सेल्स हैं वो इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से लीडिंग टू द डिजीजेस ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीजेस हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। नहीं, आपको ह्यूमन पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड ये यूजुअली तो हार्मलेस होता है, बट वायरस जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कुछ आपको इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस है या कोई दिक्कत है। तो ठीक है, तो अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, बीमारियां भी आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ तक कि हमने ENA में चीज़ों को डिस्कस करा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन एकेडमी एट टीचर बाय द नेम ऑफ प्रसन्ना वर्मा। इसके अलावा मैं जो है वो मेरा कोड सिर्फ IS याद रखिएगा अन अकेडमी पे किसी प्रकार का डिस्काउंट लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।